Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. मोहम्मद अली जिन्ना ने उस वक्त के जोधपुर के तत्कालीन राजा महाराज हनवंत सिंह से मिलकर उन्हें पाकिस्तान में शामिल करने की कोशिश की। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि वो राजा हनवंत सिंह को कोरे कागज पर हस्ताक्षर करके बिना कुछ कहे महाराजा हनवंत सिंह की सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं, बस उन्हें अपनी टेरिटरी यानी अपना राज्य पाकिस्तान के साथ जोड़ना होगा। जिन्ना साहब, इसके लिए हमें राजमाता से बात करनी पड़ेगी, हम आपको जल्दी बताते हैं। उस वक्त अगर तैश में आकर जिन्ना ने ये कागज छीना ना होता तो जोधपुर के साथ साथ और भी रियासतें पाकिस्तान से जुड़ जाती या आजाद रहती और हमारा भारत कुछ ऐसा दिखता। कश्मीर ने आजाद रहने का फैसला किया, क्यों ना उसे जीत लिया जाए जैसे भारत ने हैदराबाद को जीता। लेकिन हम और हमारी फौज नहीं जाएगी, कबाली जाएंगे। जिन्ना ने उस वक्त कह तो दिया कि कबाली हमला करेंगे, लेकिन कबालियों के साथ साथ वहां पाकिस्तानी आर्मी के रेगुलर सोल्जर्स भी थे जो कि उनकी मदद कर रहे थे। गिलगित तक पहुंच गए, तब महाराजा हरि सिंह को पता चला कि उनकी फौज इनका मुकाबला नहीं कर सकती है, तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से मदद की गुहार लगाई। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी चर्चा सरदार वल्लभ भाई पटेल और तत्कालीन वायसराय माउंटबेटन से की। उन्होंने इसकी सलाह दी कि जब तक कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन नहीं करता तब तक भारत उसकी मदद नहीं कर सकता है। आखिरकार महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दिया और कश्मीर भारत का हिस्सा हो गया। लेकिन उस वक्त तक जब तक स्थिति सामान्य ना हो जाए। महाराजा हरि सिंह ने कहा कि उसके बाद फ्री वोटिंग करा के फैसला किया जाएगा कि कश्मीर की जनता क्या चाहती है। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की फौज को कश्मीर भेजा ताकि वो कश्मीर की मदद कर सके। सेना पहले से ही तैयार बैठी। जवाहरलाल नेहरू के एक इशारे पर भारतीय फौज ने कबालियों पर हमला कर दिया, जिसके हीरो रहे मेजर सोमनाथ शर्मा। इस कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान गिलगित पे कब्जा कर चुका था और आसपास के कुछ और इलाकों पे भी बैठा हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को यूएन में उठाया और यूएन में पाकिस्तान की कड़ी निंदा करते हुए उन्हें जगह खाली करके पीछे हट जाने को कहा। यूनाइटेड नेशंस का ये फैसला आया कि पहले पाकिस्तान पूर्ण कश्मीर से अपनी फौज पीछे हटाएगा और उसके बाद भारत अपनी फौज कश्मीर से हटाएगा। फिर कश्मीर में वोटिंग के थ्रू फैसला होगा कि कश्मीर की आवाम क्या चाहती है। अपनी फौजें पीछे करें, लेकिन ना ही आज तक पाकिस्तान ने अपनी फौज पीछे की और ना ही कश्मीर में वोटिंग हुई। और तो और, इसके ऊपर 4 लड़ाइयां लड़ चुके हैं हम, आखिर और कितनी लड़ाई आजादी के लिए।